तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय थर्ड व्लॉग। दिस इज़ माय थर्ड व्लॉग इन माय जिम टाउन। एंड आज मैं आपको 5 बेसिक्स एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ रिगार्डिंग टू बाइसेप वर्कआउट। आप अपना इंस्टेंटली बाइसेप वर्कआउट कैसे कंप्लीट कर सकते हो, आपको वो दिखने जा रहा है। सो लेट्स गो, मैं आपको 5 बेसिक एक्सरसाइजेस बताता हूँ एंड देन उसके बाद मैं पोजिंग करके दिखाऊंगा आपको कि बाइसेप की पोजिंग क्या करते हैं। तो गाइज, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी बारबेल कर्ल, जिसके अंदर हमारी बाइसेप की पीक ग्रो होती है। तो चलो उसे परफॉर्म करते हैं। देखा मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज बारबेल रोड मारी, अब मैं आपको सेकंड एक्सरसाइज ऑल्टरनेटिव डंबल्स मार के दिखाऊंगा। तो चलिए डंबल्स की तरफ हम चलते हैं। आइए, तो गाइस मैं 12.5 केजी के डंबल्स और ऑल्टरनेटिव डंबल्स ला के तो देखते हैं कैसे। गाइस हाथ ऐसे रखना है और ऐसे मारना है, पूरा ऊपर से लेके आराम से छोड़ना है नीचे। तो चलिए गाइस, जैसे आपने देखा मैंने क्वार्टर में एक डंबल लगाए एंड देन आपको मैं इसके बाद हैमर एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा। हैमर कल जिसे बोलते हैं कि हैमर कल कैसे परफॉर्म करते हो, चलिए हैमर कल परफॉर्म करें। तो गाइस जैसे आपने देखा मैंने 2 एक्सरसाइजेस परफॉर्म करी, कि फर्स्ट वन बारबेल रोड परफॉर्म करी, सेकंड वन हमने अल्टरनेट डंबल परफॉर्म करे। अब मैं आपको हैमर कर्ल परफॉर्म करके दिखाऊंगा, तो चलिए हैमर कर्ल परफॉर्म करते हैं। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। पेट अंदर कर, बस। तो गाइस जैसे आपने देखा मैंने 3 एक्सरसाइजेस परफॉर्म करी, अब मैं फोर्थ वन एक्सरसाइज जो हमारी बेसिक एक्सरसाइज में काउंट होती है, जिसको हम टीचर बोलते हैं, जिसके अंदर हमारी बेसिकली बाइसेप की पीक की ग्रोथ होती है। तो चले हम उसको परफॉर्म करते हैं। आइए, तो गाइस चलिए अब प्रीचर परफॉर्म करते हैं। तो भाई जैसे आपने देखा मैंने 4 एक्सरसाइजेस परफॉर्म करी, अब मैं कंसंट्रेशन वाली जो कि बाइसेप की एक्सरसाइज में काउंट हो जाती है, बेसिकली वो भी एक बेसिक एक्सरसाइज है, तो चलिए उसको परफॉर्म करते हैं। तो गाइस चलिए अब कंसंट्रेशन वाली एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं, सो लेट्स गो। तो बेसिकली गाइस कुछ लोग गलत करते हैं, तो मैं आपको एक राइट पोजिशन बता रहा हूँ जिससे हमारी बाइसेप की पीक ग्रोथ होगी। तो गाइस हमें एल शेप रखनी है अपने लेग्स की और चेस्ट अप रख के ये थोड़ा डिस्टेंस लेना है 1 गैप का, और यहाँ से हमें 1 आराम से लेके आना है, फिर 1 फिर आराम से लाना है, फिर 1 ऐसे लेना है गाइस। बाहर की तरफ डाल, हाँ
तो वैसे हम दूसरे पैर की भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। तो जैसे देख रहे हैं गाइस स्पीड आ रही है धीरे धीरे, ये चीज़ हमारी जो निकल के आ रही है इसे पीक बोलते हैं बेसिकली। इससे हमारे बाइसेप की एक शाइनिंग दिखती है। तो गाइस आपने जैसे आपने देखा, मैंने आपको 5 बेसिक एक्सरसाइजेस बताई जिससे आपका बाइसेप ग्रो हो सकता है, जैसे आप इंस्टेंसली वर्कआउट कर सकते हैं बाइसेप के थ्रू। तो गाइस अब मैं आपको पोजिंग करके दिखाऊंगा अपने बाइसेप की, और एक राइट वे बताऊंगा जिससे हम अपने बाइसेप को शो कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ लोग अपनी वीडियो में करते हैं अपने बाइसेप को गलत पोज करते हैं जिससे उनके शोल्डर में इम्बैलेंसनेस दिखती है। तो मैं आपको ऐसी पोजिंग दिखाऊंगा जिससे आपको सही राइट पोजिशन लगेगी और आपको बाइसेप भी अच्छा दिखेगा। तो चलिए पोजिंग करते हैं। तो गाइस जो सबसे पहले हमारा पोज रहेगा वो हमारा डबल बाइसेप रहेगा, जिसके अंदर हमारे को अपना बैक को ऐसे खींचना पड़ता है ऐसे, और फिर यूं करके हमारे को अपने पूरे लैट्स खोलने पड़ते हैं और थोड़ा ऊपर लेना पड़ता है, जिससे हमारी ये वाली चीज होती है, ये हमारी शो होती है। ऐसे ही अब एक पोज है जिसके अंदर हमारे को अपनी ये स्टमक है कंप्रेस करना पड़ता है, जिसको हम ऐसे लेंगे ऐसे देखिए। अब ऐसे ही गाइस एक डबल बाइसेप होता है बैक डबल बाइसेप, इसके अंदर हम पीछे जाएंगे बैक को तोड़ यूं कैच के, बैक को तोड़ के रख पीछे यूं करके, चूतड़ पीछे रख यूं करेंगे, चूतड़ खोल पीछे तोड़ बैक को, हाँ ये बस। अब एक लैंड होल्ड करना ऊपर में साइड चेस्ट, तो गाइज मैं होप करता हूँ कि आपको ये 5 डिफरेंट एक्सरसाइजेज जो कि बेसिक एक्सरसाइजेज और बाइसेप में पीक में बेसिकली ग्रोथ में हेल्प करती है, आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, तो मैं आगे से आगे आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा बाइसेप के अंदर। और गाइज चलिए आपको सीधा इवनिंग में मिलते हैं। हेलो गाइज गुड इवनिंग, और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी बाइक ख़राब हो गई है, ये देखिए इसका जो इंजन ऑयल है ये बदलना पड़ेगा। तो भैया क्या क्या दिक्कत आ गई इसमें? भैया इसमें इंजन ऑयल सूखा चल गया अब इसका। अच्छा, इसका हो सकता है इंजन ऑयल डालने के बाद धुआं दे जाए। ओके, तो भैया आप इंजन ऑयल कैसे डालते हो एक बार डाल के दिखा दो मेरे को। तो भाई जैसे आप देख रहे हैं भाई अपनी कीप से इंजन ऑयल डाल रहे हैं, ये देखिए। तो भैया जो आप इसका जो पहले वाला ऑयल था आपने वो क्यों नहीं निकाला? भैया सूखा चल गया इसमें इंजन ऑयल है ही नहीं। ओके, धुआं भी दे जाएगा क्योंकि पूरा इंजन ऑयल सूखा चल गया है। अच्छा, तो मतलब इंजन ऑयल सूखे होने की वजह से थोड़ी बीच बीच में रुक रही थी और आवाज़ भी कर रही थी थोड़ी बहुत। अरे ये धुआं भी दे सकती है हाफ इंजन होना। अच्छा, देखते चला के एक बार। चलो ठीक है देख लेते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसा ही लग रहा है कि इसके अंदर इंजन ऑयल थोड़ा कम था तभी ये चल नहीं पाई है। बाकी आप एक बार चेक करके देखिए क्या दिक्कत आई, बाकी पता चल जाएगा। अभी देख लीजिए, देखे गाइस ये देखिए गाइस ऐसे चेक होता है ये इंजन ऑयल, ये चेक करके दिखाओ, चेक करो निकाल। हाँ निकाल के एक बार दिखाओ। तो गाइस देखिए ये भाई चेक करके दिखा रहे हैं कि कहाँ इंजन ऑयल, देखिए गाइस जैसे भाई ने दिखाया ये। तो गाइस जैसा कि देख लिया गया है कि इंजन ऑयल अब एकदम अपनी लिमिट अच्छी कर ली है उसने, ये देखिए। अब ये देखिए गाइस ये खोल के दिखाएंगे, ये भैया इतना इंजन ऑयल है देखो, ये देखिए ये इंजन ऑयल। ओके, अब मतलब ठीक है ना? हाँ जी, तो गाइस इसका मतलब है ठीक है अब इंजन ऑयल। तो गाइस अब एक बार हम चालू करके देखते हैं, भैया एक बार चालू करके देखेंगे। तो चलिए भैया चालू करते हैं। तो गाइस जैसे देखो भैया चालू करेंगे, आप भैया करके दिखाइए चालू, अब देखना गाइस इसमें से धुआं निकलेगा। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कल के व्लॉग में कि मेरी बाइक ख़राब हो गई है, तो गाइस ये रही मेरी बाइक।
ये देखिए ये मेरी बाइक है, और ये मेरी बाइक में जो ये चीज़ होती है इसे ये बोलते हैं इंजन। इसके अंदर पिस्टन और क्रैंक होती है, वो बोल गई है बेसिकली। जो कल इंजन ऑयल डला था वो सिर्फ उन्होंने डाला था चेक करने के लिए, बट इसमें से धुआं भी नहीं आया, तो इन्होंने बताया कि जो तुम्हारी बाइक में से आवाज़ आ रही है वो इंजन में से क्रैंक और पिस्टन सही होगा, और इंजन हाफ है उसे फुल करेंगे ये भैया। तो गाइज चलिए अब हम आपको सीधा कल के व्लॉग में मिलते हैं, जिसके अंदर मैं आपको काफ़ी चीज़ें दिखाऊंगा कि मेरी बाइक आफ्टर रिपेयरिंग कैसी रही, किस कंडीशन में है। तो चलो हम सीधा आपको कल मिलते हैं। तो गाइज देखिए ये इंजन भाई ठीक कर रहे हैं, जो मैंने आपको लास्ट डे में बताया था कि फुल इंजन रिपेयर होगा, जिसके अंदर पिस्टन और क्रैंक। भैया बताएंगे आप जरा इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आई थी? ये इसका पिस्टन सीज मार गया था। अच्छा, इसके लिए पूरा इंजन खुला है। अच्छा, इसका हमने आधा हाफ इंजन बांध दिया है। अच्छा, हाफ इंजन बांध दिया है। अब इसका पिस्टन वो ओके। तो गाइज बेसिकली ये अभी भैया ने हाफ इंजन बांध दिया है, भाई फुल इंजन बिठा रहा है। तो गाइज अब जब गाड़ी बिल्कुल फिट हो जाएगी इसके अंदर, जब गाड़ी गाइज पूरी फिट हो जाएगी ढंग से एकदम लग लुगा के से धुल जाएगी, तो मैं आपको सीधा तब मिलता हूँ। तो गाइज फाइनली मेरी बाइक ठीक हो गई है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने ढाक दिया बाइक, ये रही मेरी बाइक, ये बाइक ठीक हो गई है हमारी फाइनली। और ये रहे हमारे आशु भाई। आशु भाई कैसा लग रहा है, बाइक ठीक हो गई अब तो? भाई अच्छा लग रहा बहुत ही। अब तो फिर रात में कुछ खाने पीने चल रहे हैं, जमर जी फेट लिए जमर। और गाइस देखिए हमारे यहाँ पे गणेश जी लग चुके हैं। यस। तो भाई अंशु भाई क्या कहना चाहोगे आप? कुछ नहीं। अंशु भाई क्यों नहीं कहते कुछ? रहमान भाई कहेंगे। तो गाइस देखिए हमारे गणेश जी, ये रहे इनका दूसरा दिन है आज। ताला कहाँ है भाई? मजा आ रहा है भाई, आपको कैसा लग रहा है? दिल से। चिंटू भाई एक बार बॉडी दिखा दो अपनी, बॉडी बिल्डर भाई करते पेट वाला वो जो क्या है, ये कैसे करता पेट, पेट करके दिखा दो। ये तेरी पेट लिए, ये देखो चिंटू भाई दूर से तो करो, दूर से करो। ये देखो ये। तो गाइस हम इसकी बॉडी के आप दिखा के इसको लोग को एंड करेंगे। तो चिंटू भाई दिखाओ जरा, ये तेरी उत्तर देखता नहीं इधर तक नहीं देख।